हमारे पास आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल पॉलीमर जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जो भी हमको नेचर से चीज़ें मिलती हैं वो हमको क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। बट जब हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर देखते हैं, तो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है मैन मेड पॉलीमर जो इंसान ने बनाए हुए हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, तो उनको सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। अब एंड में आता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, देखो सिंथेटिक जैसे जो पूरी तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक बोला जाता है, जैसे नायलॉन है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। बट अगर हम लोग सेमी सिंथेटिक की बात करें तो ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो जिनमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, हाफ़ नेचर का और हाफ हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो भी, जैसे कॉटन वगैरह है तो अब उसको डायरेक्ट यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसके कलर चेंज के लिए हमको केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिसके वजह से इनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाता है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर दोज पॉलीमर, जैसे कि लिखा है मैंने, द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर आर मॉडिफाइड बाय सम केमिकल प्रोसेस लाइक देयर अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, लस्टर एंड एक्सेट्रा आर नोन एज सेमी सिंथेटिक। तो जैसे रेयन है या क्यूप्रामोनियम सिल्क है, ये सब क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो लिए तो नेचर से जाते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस, हैंस दे आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेचुरल अपीयरेंस या नेचुरल अक्यूरेंस बोल सकते हैं। तो ये तीन टाइप से पॉलीमर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे।